हेलो फ्रेंड्स, दरोगा बहाली को लेके काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ और फाइनली बोर्ड का ऑफिशियल सामने आ गया है। बोर्ड ने कल प्रेस करके वो स्टैंड है वो क्लियर किया है। उसमें क्या कहा गया है, दरोगा बहाली परीक्षा में नहीं हुई गड़बड़ी, ऐसा आयोग का कहना है। ठीक है, आखिरकार आयोग अपनी गलती को नहीं माना कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनेशन के दौरान और उसके पहले भी सोशल मीडिया पर क्वेश्चन सर्कुलेट हुए थे। ठीक है, नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष सुनीत कुमार ने दावा किया है कि पुलिस अवर निरीक्षक के परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। आयोग ने पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा का आयोजन का परिणाम घोषित किया है। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुई है और किसी भी केंद्र पर प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ था, लेकिन एक साजिश के तहत, देखिए इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, एक साजिश के तहत कुछ परीक्षार्थी सोशल पर प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह फैलाकर आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट ने पहले साजिश किया, उन्होंने पहले जो एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन था उसको फैलाया और उसके बाद प्रोटेस्ट करने लगे। ये एक साजिश थी स्टूडेंट की तरफ से। ठीक है, इसको जिन लोगों को समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता आपकी मर्जी। उसके आगे लिखा हुआ है, जबकि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, असफल अभ्यर्थी यह बताएं कि किस मोबाइल नंबर से प्रश्न पत्र लीक हुआ। स्टूडेंट कैसे बता पाएगा, स्टूडेंट को कैसे पता किस मोबाइल नंबर से प्रश्न पत्र लीक हुआ था। और मैं आपको दिखाता हूँ, साजिश के तहत कुछ परीक्षार्थी प्रश्न पत्र लीक की अफवाह फैला रहे हैं। ठीक है, ऐसा बोर्ड का कहना है, कुछ लोग साजिश कर रहे हैं बोर्ड के खिलाफ। पुलिस अवर निरीक्षक की मुख्य परीक्षा अप्रैल में होगी, मेन एग्जाम अप्रैल में होगा, ऐसा बोर्ड ने कहा। ठीक है, स्टूडेंट से कहा जा रहा है जिस मोबाइल नंबर से एग्जाम क्वेश्चन लीक हुआ है वो नंबर बताइए। अब स्टूडेंट के पास सिस्टम नहीं है, स्टूडेंट के पास कोई जांच करने की एजेंसी नहीं है जो स्टूडेंट बता दे ये कहाँ से आए, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है, कहाँ से शुरू हुआ। शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में श्री कुमार ने कहा कि पुलिस अवर निरीक्षक की मुख्य परीक्षा अप्रैल में होगी, सितंबर तक अंतिम परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। आयोग के पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा सार्जेंट सहायक अधीक्षक कारा की बहाली में 2446 रिक्तियाँ निकाली थी। ठीक है, तो ये था सारा अपडेट दोस्तों। अब सरकार अपने स्टैंड पर कायम है कि कोई दरोगा में धांधली नहीं हुआ, दरोगा एग्ज़ाम में कोई धांधली नहीं हुआ है, अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आगे की जो स्टेप्स होंगे वो भी सरकार ले लेगी। अब मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा होना है, बींग ऑनेस्ट। हालाँकि इसमें धांधली हुआ था, जिस तरह से कट ऑफ ऊपर गया था, सीट इतनी बढ़ गई थी उसके बावजूद भी कट ऑफ ऊपर गया था, तो हमेशा ये डाउट रहता है अगर सीट बढ़ रही है और एक साल का फर्क है तो कट ऑफ कैसे हाई हो गया। ठीक है दोस्तों, बाकी दरोगा के रिगार्डिंग और भी कोई न्यूज़ या आई या बिहार में किसी भी सरकारी जॉब के रिगार्डिंग न्यूज़ आई तो चैनल पर अपडेट कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।